हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम हाउसवाइफ का मोस्टली टाइम स्पेंड होता है किचन में ही, और अगर हम थोड़ी सी दिमाग लगा के स्मार्टली अपने किचन के सारे काम को कर लेते, इससे हमारे बहुत सारे पैसे और बहुत सारे समय की बचत हो जाएगी। किचन में बहुत ऐसी चीज़ें होते हैं जिसका हम रीयूज़ करके बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो हमारे काम के आते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से वो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। सर्दियों के मौसम में अगर गर्मा गर्म लिट्टी और चोखा मिल जाए ना तो मज़ा ही आ जाए। तो जब भी आप लिट्टी के लिए सत्तू तैयार करें, उसमें थोड़े से आप अचार के मसाला ज़रूर ऐड करें। इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आएगा। जहां आप दो लिट्टी खाते हैं, उसकी जगह पे आप चार लिट्टी खाना पसंद करेंगे। अब बात कर लेते हैं आंवले का। तो आंवले के कितने सारे फ़ायदे होते हैं तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। सर्दियों के मौसम में आंवला भरपूर मात्रा में मिलता है और थोड़े सस्ते भी मिलते हैं। तो जितना चाहे उतना आप आंवला का किसी भी रूप में सेवन कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लाई थी आंवला को आप मुरब्बा बनाने के लिए, लेकिन ये थोड़े से ख़राब हो गए मेरी लापरवाही की वजह से। मैं जल्दी से नहीं बना पाई तो इसलिए मेरे आंवले ख़राब हो गए। तो लेकिन इसे फेंकूँगी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आंवले ना कहते हैं कि आंवले में इतने सारे गुण होते हैं कि आपकी स्किन और आपके हेल्थ के लिए ये रामबाण है। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले हमें इसे अच्छे से ग्रेट कर लेना, और ग्रेट करने के बाद जो इसके बीज है ना, इसे भी हमें नहीं फेंकने, इसका भी हम रीयूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आंवले को ग्रेट कर लेने हैं, और एक स्ट्रेनर की हेल्प से या फिर कोई भी आप कॉटन कपड़ा ले लें और कपड़े की हेल्प से इसकी जितने जूस है ना वो सारे आप इस तरीके से निकाल लें। लेकिन मैं थोड़ी सी कंजूस टाइप की हूँ। अब क्या होता है ना, कपड़े में बहुत सारे जूस लग जाते हैं, यानी कि रस लग जाते हैं। तो मैं कपड़ा से नहीं, स्ट्रेनर की हेल्प से इसका जूस निकालना पसंद करती हूँ। तो इस तरीके से हम आंवले के सारे जूस को निकाल लेंगे, और इसके बाद आप इसे किसी कांच के जार में भर के फ्रीजर में रखें। आप मतलब एक वीक तक इसका सेवन करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब कैसे सेवन करना है, सुबह में हम सब तो पानी पीना पसंद करते हैं, या पानी जब आप पिए सुबह में तो उसमें एक स्पून के बराबर इसमें आंवले का रस डालें और फिर पिए। जो बड़े हैं वो एक स्पून लें, जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 1/4 स्पून आंवले का जूस मिला करके दें। ये बहुत ही हेल्दी है हमारे स्किन और हमारे हेयर के लिए। अब जो ये आंवले बच जाएंगे, जिसका कि जूस निकालने के बाद जो आंवले बच जाते हैं, उसे भी हमें फेंकने नहीं हैं। इसे भी हमें सुखा लेने हैं, और सुखा लेने के बाद इसे आप बहुत ही अच्छे से इसका पाउडर बना लें। और पाउडर बनाने के बाद आप इसे किसी टाइट कंटेनर में भर के रख दें, और जब मर्जी आप रात में इसे एक गिलास पानी में भिंगो करके रख दें, और सुबह में आप इस पानी का सेवन करें। यकीन मानिए आंवला बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है हमारे हेल्थ, हमारे स्किन, मतलब ओवरऑल में कितने मतलब बताऊँ आंवले कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और धनिया की चटनी तो हम सबके घरों में डेली बनती ही है, उसमें आप थोड़े से आंवले के चूर्ण डाल दें तो आपकी धनिया की चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो अभी जो आंवले का बीज था ना, चलिए मैं बताती हूँ उसका क्या करना है। तो इसके लिए हमें एक पैन गैस पे रख देना है, और इसमें एक गिलास के बराबर हमें डालने हैं पानी, और जो आंवला का बीज है वो हम इसमें डालेंगे। साथ ही मैंने जो भी हम लेमन यूज़ करते हैं तो उसका जूस यूज़ करने के बाद मैं लेमन के छिलके को बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि लेमन के छिलके का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कितने सारे यूज़ हम लेमन के छिलके का कर सकते हैं, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बना दे रखी है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं कि लेमन के छिलके का हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार लेमन के छिलके डाला है, और एक पूरा भर के नमक डाल रही हूँ। अब इसे ढक के हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक हमें अच्छे से इसे बॉयल होने देना है। इसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। तो यहाँ पे इसे बॉयल होते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे, और एक मैसर की हेल्प से हम इसे अच्छे से मैश करेंगे, जिससे जो आंवले के बीज में जो भी गुद्दे हैं ना, आंवले के पल्प सॉरी, वो निकल जाएंगे, और जो लेमन है उसके भी पल्प पानी में आ जाएंगे। तो जब अच्छे से ठंडा हो जाए तो आप बहुत ही अच्छे से इस तरीके से मैश कर लें। अब इसे आप छान लें। छानने के बाद इसमें क्या करना है,
एक स्पून की हेल्प से इसे थोड़े से प्रेस करके हमें छाननी, ताकि जो इसके पल्प है ना वो सारे पानी में इजीली आ जाए। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें डालना है एक स्पून कोई भी डिटर्जेंट पाउडर। आप तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं, अभी फ़िलहाल मेरे पास बेकिंग पाउडर ख़त्म हो चुका था तो मैं इसमें डाल रही हूँ एक स्पून के बराबर कोई भी डिटर्जेंट पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और इससे जितनी मर्जी उतनी आप बर्तन धो सकते हैं। ऑयली जो बर्तन होते हैं ना, डब्बे होते हैं जिसमें कि ऑयल बहुत ही गंदे तरीके से लग जाते हैं, उसे छुड़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, तो उन सारे बर्तनों को और उन सारे डब्बों को इस पानी से आंवले और नींबू के जो ये बन के तैयार हुआ है, एक तरह से डिशवॉश ही बोल सकते हैं इसे, इससे आप धो सकते हैं तो सारी चिकनाई इजीली ख़त्म हो जाता है। चलिए मैं आपको एक धो करके दिखाती हूँ। तो इस तरीके से हमें थोड़ा सा ही लगाने के बाद आप देख सकते हैं कि जितनी भी चिकनाई थी ना सारे बर्तन से निकल चुके हैं और हमारा जो प्लेट है ना वो काफ़ी चमक उठा है। तो आप इसे किसी बोतल में भर के रख दें और जितनी मर्जी उतनी आप बर्तन और चिकनाई वाले डब्बे वगैरह साफ़ कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप भी आप सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। नेक्स्ट क्या है, जब भी हम इस टाइप के जो पैकेट होते हैं, जो अनाज वाली पैकेट होती है जिसे हम थोड़ा ही यूज़ करते हैं और उसके बाद जो बच जाता है, अगर हमारे पास डब्बे खाली नहीं है तो हम इसे ही इस तरीके से लपेट करके रख देते हैं, जो कि ख़राब हो जाते हैं, इसमें सीलन आ जाती है, इसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो इसे पैक करने का मैं बहुत ही एक यूनिक तरीका बताऊँगी आपको। क्या करने हैं आपको, लेने हैं एल्युमिनियम फॉइल, जो कि फॉइल पेपर होते हैं, इसमें हम लंच वगैरह पैक करते हैं, तो वो हमें ले लेने हैं थोड़े से इस टाइप के। और इसके बाद हमें इसके जो पैकेट है उसके ऊपर हम इस तरीके से रख लेंगे। और इसे रखने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेना है आयरन। जी हाँ, हमें आयरन लेना है और इसे बहुत ही अच्छे से हम प्रेस करेंगे। और आप देखेंगे इसे प्रेस करने के बाद जो सील्ड करके जो मार्केट में भैया लोग बेचते हैं ना दुकान वाले, एकदम वैसा ही ये सील्ड हो जाता है। बहुत ही अच्छे से ये सील्ड हो जाता है, ये इसमें बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी, यकीन मानिए। अगर आपको यकीन नहीं होता ना तो आप खुद से इस तरीके से घर पे करके देखें, ये बहुत ही अच्छा टिप है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। इससे आपके बहुत सारे सामान वेस्ट होने से बच सकते हैं और जो पैकेट है ना उसे आप इस तरीके से सील्ड करके रख सकते हैं, आपका सामान बहुत ही लंबे समय तक चलेगा और ख़राब भी नहीं होंगे, पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो है ना बहुत ही यूनिक टिप। चलिए मैं आपको एक और करके ऐसे ही दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सत्तू का पैकेट है जो कि मैंने आधा यूज़ किया है और आधा पैकेट में ही है, तो इसे भी मैं इसी तरीके से सील्ड करके आपको दिखाती हूँ। नेक्स्ट क्या है, जब हम बहुत ज़्यादा मात्रा में लहसुन खरीद के लाते हैं ना, तो लहसुन में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सारे फंगल्स और बहुत सारी ना मतलब कीटाणु वगैरह लहसुन में आ जाते हैं, जो कि हमारे लहसुन को ख़राब कर देती है। तो मैं आपको एक यूनिक ट्रिक बताऊंगी कि कैसे आप लंबे समय तक लहसुन को स्टोर करके रख सकते हैं, उसे फंगल्स और कीड़े वगैरह से बचा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सारे लहसुन ले लेने हैं, जो भी लहसुन है आपके पास, और उसके ऊपर की जो लेयर होती है ना, जो कि खुद ब खुद उसके जो छिलके हैं वो निकल रहे हैं, बस उसे ही हमें निकालने, सारे छिलकों को बिल्कुल भी नहीं निकालने हैं, जो खुद से निकल रहे हैं ना छिलके, बस उसे ही निकाल लेने। और इसके बाद हमें लेना है विनीगर, तो मेरे पास यहाँ पर एप्पल साइडर विनीगर है, वही मैंने लिया है, और इसे थोड़ी थोड़ी हम सारे लहसुन पे निकाल देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी फंगल्स और कोई भी कीड़े हमारे लहसुन में नहीं लगेंगे, जस का तस वो बहुत ही अच्छे से रहेगा और लंबे समय तक हमारा लहसुन चलेगा। इसके बाद क्या करने, एक लेने आपको पानी की बोतल, इस टाइप की बोतल तो सबके घरों में रहती ही हैं, जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, बट इसका बहुत ही अच्छे से आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, किचन की चीज़ों को। तो इसे क्या करना है, सबसे पहले तो इसका पानी निकाल देना, इसे बहुत ही अच्छे से सुखा लेना है, इसमें कोई भी पानी का ड्रॉप नहीं रहना चाहिए। इसके बाद आप एक नाइफ़ की हेल्प से इसे बहुत ही अच्छे से यहाँ से जो ये मुड़ा हुआ पार्ट है ना, बस यहाँ से इसे काट लेना है।
ये बहुत इजीली कट जाता है। अगर नहीं कट रहा है तो आप थोड़े से गैस पे चाकू को गर्म कर लें और इसके बाद आप इसे काट लें। काटने के बाद क्या करना है ना, इसमें सारे लहसुन को अच्छे से स्टोर कर लेना है और इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है, जो कैप है, उसे नीचे वाले पार्ट से इस तरीके से दबाते हुए ना इसमें इंसर्ट करना है। बहुत ही ईजिली इंसर्ट हो जाता है और आप इसे लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही अच्छा ये टिप है, आप इसे ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। और इन सारे वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा टिप पसंद आया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय एंड टेक केयर।